गारंटी है कि आपकी मूर्ति जब हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पे हमारे आदेश होगा। जैसे आज बिहार में कहीं पे रोक टोक नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हमारी सरकार है, तो आज हमने यहाँ पे सब कार्यक्रम किया और आने वाले समय में भी करेंगे। तो ये तो आपको पता ही होगा कि जिनकी सरकार होता वो उनकी निश्चित तौर पे उनका बात होता है, उनको कौन रोकने वाले हैं। तो हम आने वाले समय में करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश खत्म हो गया, अभी आप आगे आइए। देखिए बिहार में आप सभी को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार हमारी चल रही है और हमारे बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं। और ये बात सत्य है ना कि चार पार्टी के सहयोग से बिहार में एनडीए की सरकार है, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और हम पार्टी। तो बीच में कुछ दिनों से एहसास नहीं हो पा रहा कि चार पार्टी का गठबंधन से सरकार चल रहा है। कहीं पे भी सिर्फ दो पार्टी का नाम आता है, बीजेपी और जेडीयू। वीआईपी पार्टी हो या हम पार्टी का नाम वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे एनडीए में बैठक उचित नहीं होगा। हम सरकार के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है। जहाँ पे वीआईपी पार्टी को अगर सम्मान नहीं मिल सकता, ऐसे मंच पे जाके क्या बात रखेंगे। तो इसलिए बहुत सारा इशू है, इसके लिए हम सब बैठकर अगर एनडीए अगर चाहेंगे, एनडीए के सभी नेता, तो बैठकर इस पे मंथन किया जाएगा कि कहाँ चूक हो रहा, कहाँ समस्या है। ये घर की बात है, घर में हम लोग सलटाएंगे। ये बात निश्चित तौर पे है कि एनडीए नज़र नहीं आता है। तो एनडीए नज़र अगर नहीं आ रहा है तो मेरा इसी बात से तकलीफ है और इसलिए मैं वहाँ पे नहीं गया हूँ। आज हमारे माननीय माझी जी हैं, इतना सम्मानित नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आज उनको भी सरकार में बेहतर जगह होना चाहिए। आज हम लोगों के सहयोग से बिहार में सरकार चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ को कहीं ना कहीं एनडीए के प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे ये सब बात को रखा जाए और सारे चीज़ देखा जाए कि कहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर में क्या सही है, कहाँ नहीं है, कहाँ बाढ़ में क्या समस्या नहीं है। जब इस पर बैठ बैठ के हम लोग मंथन करेंगे तो बहुत सारा चीज़ निकलेगा, लेकिन जब बैठक ही नहीं हो रहा तो फिर बात नहीं हो पा रहा है। और आप सब ने देखा कि किस तरीके से पदाधिकारी यहाँ पे हावी है। हमारे माननीय सम्मानित मंत्री ने कहा कि चपरासी तक बात नहीं मान रहे, तो आखिर ऐसे कौन पदाधिकारी है, कौन ऐसे चपरासी है कि वो बात नहीं मान रहे। तो ऐसे भी जगह पे बात करने की आवश्यकता है। और बिहार के जनता ने हमें चुना है, हमारी सरकार को बनाया है, माननीय नीतीश जी को मुखिया बनाए हैं। तो आज हम लोगों का एक मकसद है कि बिहार के जनता को लिए काम करें, युवा के लिए काम करें। हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि 5 साल में 19 लाख युवा को रोजगार देना। तो 19 लाख लोगों युवा को रोजगार देना तो कैसे होगा, उसके लिए तो प्लानिंग करने की आवश्यकता है, सबको एक टीम वर्क बन के काम करने की आवश्यकता है। सिर्फ हम पॉलिसी बनाने से नहीं होगा, तो इसके लिए बहुत सारा चीज़ें हैं और मुझे लगता नहीं कि सब बातें